दोस्तों, जब भी सबसे चीपेस्ट प्राइस की डॉग ब्रीड की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है इंडियन स्पिट्स, क्योंकि इंडियन स्पिट्स आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आता है पिटबुल, क्योंकि भाई पिटबुल का प्राइस भी बहुत ही कम होता है और वो भी आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन भाई जब रॉटवाइलर का नाम आता है तो ये माइंड में आता ही नहीं कि ये डॉग ब्रीड भी हमें कम प्राइस में मिल सकती है, क्योंकि इनका जो मिनिमम प्राइस होता है वो 8-9 हज़ार रुपए के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आज जो रॉटवाइलर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये इंडियन स्पिट्स और पिटबुल के प्राइस से भी कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ गाइस, आप लोगों का बजट चाहे कितना भी कम हो, लेकिन आज आप लोग एक काफी अच्छी क्वालिटी के रॉटवाइलर को परचेज कर पाओगे और वो भी बिल्कुल चीप प्राइस में। तो गाइस, जिस प्राइस में आप लोगों को ये रॉटवाइलर मिल रहा है उस प्राइस में आप लोगों को रॉटवाइलर का मिलना ही पॉसिबल नहीं है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये जो रॉटवाइलर है ये एक फीमेल है, उन्होंने सभी वैक्सीनेशन भी करा रखी है। एंड भाई साथ में शायद आप लोगों को इसका कार्ड वगैरह भी मिल जाए। तो गाइस, इस एज के डॉग्स को परचेज करने पे आप लोगों के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, क्योंकि भाई एक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होती है, स्टार्टर फूड कितने कॉस्टली आते हैं जो कि आप लोगों को इस एज के डॉग्स को देने की जरूरत नहीं होती। एंड भाई साथ में टॉयज और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि भाई कैल्शियम, मल्टीविटामिन, लीवर टॉनिक, यार इतना सारा खर्चा हो जाता है छोटे पीस के ऊपर। तो इतने सारे पैसे तो आप लोगों के बचने ही वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो ये होती है कि जो छोटे पीस होते हैं ना वो कहीं पर भी सुसु कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज को ये चीज इरिटेटिंग लगती है। तो इसे अगर आप लोग परचेज करते हो तो आप लोग जॉब वगैरह करते हैं तो घर में अगर कोई एक बंदा भी है इसकी देखरेख करने के लिए तो वो भी काफी होता है। तो गाइस, अगर फीमेल के टेम्परामेंट के बारे में बात करें तो फीमेल बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई भी परचेज कर सकता है। बट भाई प्लीज, ये तो चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी एडल्ट या सेमी एडल्ट डॉग को परचेज करो तो खुद से जाके उसके टेम्परामेंट के बारे में अच्छे से कंफर्म कर लें। एंड साथ में ये चीज भी जरूर पूछ लें कि भाई ओनर इसे खाने में क्या देते हैं और किस टाइम इसे वॉक वगैरह पे लेके जाते हैं, क्योंकि इस एज के पपीज के डाइट प्लान के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे काफी लोग एक्साइटेड होंगे कि यार मंची ये फीमेल हमें मिलेगी कहाँ से, तो वो भी बता देता हूँ। तो भाई ओनर की जो लोकेशन है वो है लुधियाना, पंजाब से। और अगर इसके पेरेंट्स के बारे में बात करें तो भाई उनकी फोटो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर ओनर के पास हैं तो वो आप लोग पर्सनली कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। वैसे इस फीमेल की एज और लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर बात करें डिलीवरी की तो भाई ओनर का स्पेशली कहना है कि आप लोग डायरेक्ट घर आए, फीमेल की क्वालिटी चेक करें, उसके बाद में ही परचेज करें, क्योंकि भाई डायरेक्ट देखने में और फोटो वीडियोस में देखने में काफी फर्क होता है। और अगर डायरेक्ट आना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो शायद ये फीमेल आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ओनर जो है भाई वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फीमेल की क्वालिटी काफी अच्छी है और प्राइस बहुत ही चीप। तो भाई ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है यार वो की है जस्ट 4,500 रुपीज, यानी सिर्फ 4,500 रुपए। यार इस प्राइस में आप लोगों को मिलता ही क्या है जिस प्राइस में आप लोगों को ये रॉटवाइलर मिल रही है और वो भी कंप्लीट वैक्सीनेशन के साथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी यार, प्लीज वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यार ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।